हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी। तो आज हम बनाएंगे आलू और मैदे से बना हुआ क्रिस्पी चटपटा सा नाश्ता। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है। मैंने यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया है। भुनी हुई मूँगफली दरदरा से मैंने कूट लिया है। मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है। एक चम्मच जीरा लिया मैंने, एक चम्मच नमक, करी पत्ता बारीक कटा हुआ, हल्दी पाउडर एक चम्मच, लहसुन बारीक कटा हुआ, जीरा पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, रिफाइंड ऑयल। अब हम मैदे को बाउल में डाल देंगे। उसमें नमक डाल देंगे। दो चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मुलायम सा डो तैयार करूंगी। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। तो हल्का सा हम तेल लगा के ऊपर से ग्रीस कर देंगे। और इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। अब हम स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। जीरा डालेंगे। लहसुन की कलियां डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। करी पत्ता डालेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हम बहुत ही कम तेल में इसे बना रहे हैं। हम कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए हम भुनेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, प्याज डालेंगे, कूटी हुई मूंगफली डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, हम डो को अच्छी तरह से मसल लेंगे। डो हमारा सेट हो चुका है। जैसे हम रोटी बनाते हैं
वैसे ही हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। हमें इसे बिल्कुल रोटी की तरह बनानी है। अब इसे हम रोटी का आकार देंगे। हमने चारों तरफ से बेलन को चला लिया है, रोटी को एकदम पतला रखा है। अब हम स्टफिंग फैला देंगे। तो हमने स्टफिंग को फैला दिए। अब हम किनारे से रोल करेंगे। किनारे पर हम पानी लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम रोल कर लेंगे। अच्छे से सेट हो चुका है तो मैं चाकू की मदद से किनारे काट दूंगी। अब मैं छोटे छोटे पेड़े काट लूंगी। अब मैं इसे हथेली पर रखूंगी और उसे इस तरह से प्रेस करूंगी और मैं इसे टिक्की का शेप दूंगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक कटोरी में मैदा लिया हुआ 2 चम्मच, इसका मैं घोल तैयार करूंगी। अब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। गैस को मैंने लो कर दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम घोल में डिप करके सारी टिक्कियों को कढ़ाई में डाल देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर सेलो फ्राई करेंगे। इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारी टिक्कियों का कितना गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आया हुआ है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्राई होने देंगे। हमारी टिक्कियां अंदर बाहर दोनों से
एकदम कुरकुरी सी सीखकर तैयार हो चुकी है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी यमी सी टेस्टी सी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।